परित्राणाय साधूनां, अर्थात भगवान विशेषतः अपने भक्तों का उद्धार करने और उन्हें आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। अपने इन्हीं दिव्य शब्दों को चरितार्थ करते हुए परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बंगाल के नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा अनेक पतितों का उद्धार किया। बाल रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक दिव्य लीलाएं की, जिनके श्रवण मात्र से जीव सभी प्रकार के भौतिक कलेशों से मुक्त हो जाता है और भक्ति की दिव्य उन्माद रस में डूब जाता है। तो आइए भगवान की उन्हीं अनंत दिव्य लीलाओं में से एक सुंदर लीला जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने ब्राह्मण भक्त के साथ की थी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसका शीर्षक है नटखट निमाई और ब्राह्मण। श्री नवदीप धाम में एक अत्यंत ही पुण्यवान ब्राह्मण रहा करता था। अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद वह श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम राधे श्याम। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याण हो वत्स। आज का दिन निश्चित रूप से अत्यंत ही मंगलकारी है, जो मुझे आप जैसे शुद्ध भक्त के दर्शन हुए। हे ब्राह्मण देव, कृपया अंदर पधारिए और मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। जैसा आप कहें। हे ब्राह्मण देव, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। कल्याण हो वत्स। राधा श्याम सुंदर आपका कल्याण करें। कल्याण हो। हे ब्राह्मण देव, आप कौन से गांव के निवासी हैं? मेरी सांसारिक कार्यों में कोई रुचि नहीं है और इसीलिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता हूँ। असल में ये मेरा चंचल और अशांत मन ही मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कराता रहता है। वास्तविकता तो यह है कि मेरा कोई गांव नहीं है, संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है। अहो भाग्य अहो भाग्य, ये तो इस संसार का सौभाग्य है कि आप सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं। मिश्र जी, मैं तो अपने गोपाल जी के लिए स्वयं ही भोग बनाता हूँ, कृपया आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपना कार्य आरंभ कर सकूं। यह आप ही का घर है ब्राह्मण देव, आप ही का घर है, मैं तुरंत प्रबंध करता हूँ। श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने ब्राह्मण देव के लिए अच्छी तरह रसोई को साफ करवाया और भगवान का भोग बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उन सभी की व्यवस्था करी। तत्पश्चात ब्राह्मण ने आनंद भरे हृदय के साथ भगवान के लिए भोग बनाया और अपने प्रिय भगवान गोपाल को भोग लगाने के लिए बैठ गए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओ। आओ रे आओ रे आकर भोग लगाओ रे, आओ रे आओ रे आकर भोग लगाओ रे। नटखट बालक ने मेरे भगवान का भोग झूठा कर दिया। हे केशव, अब मैं क्या करूं? हे हरि, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देव, क्या हुआ? किसने भगवान का जो भोग झूठा कर दिया? ये बालक निमाई, ये क्या किया तूने? भगवान का सारा भोग झूठा कर दिया। तू आजकल बहुत चंचल होता जा रहा है, ठहर जा, अभी तुझे
तुझे बताता हूँ। नहीं नहीं, देखो मिश्र जी, आप एक सम्मानीय तथा विद्वान ब्राह्मण हैं। आपका पुत्र अभी नादान है, उसे सही और गलत की समझ नहीं है, और देखा जाए तो उसने किया भी क्या है, उसे दंड देने से भला क्या लाभ होगा। नहीं नहीं, आप निमाई को कुछ मत कहिएगा। निमाई, तूने क्या किया, ऐसा क्यों किया बेटा? बुरा मत मानिए मिश्र जी, कृपया यूं निराश मत होइए। आपके घर में जो कुछ फल और सब्जियां हैं, वही मुझे दे दीजिए। आज मैं उन्हें ही भोग लगाकर अपना निर्वाह कर लूंगा। हे ब्राह्मण देव, मुझे अपना सेवक समझिए। मैं फिर से आपके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करता हूँ, आप चिंता ना करें। सच कहूँ तो जब तक आप पुनः रसोई नहीं बनाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। भोजन बनाने के लिए आवश्यक सब सामग्री घर में उपलब्ध है। हे ब्राह्मण देव, जब तक आप पुनः भोजन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे हृदय को संतोष नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं एक बार फिर से भोजन बनाऊंगा। आभार ब्राह्मण देव, आभार। सुना है तेरा पुत्र निमाई ने ब्राह्मण द्वारा भगवान को अर्पित किया गया सारा भोग झूठा कर दिया। एक बात तो तुझे माननी पड़ेगी बहन, तेरा पुत्र निमाई आजकल बहुत नटखट, बहुत शरारती होता जा रहा है। आए दिन उसकी नई नई शरारती सुनने को मिलती है। हाँ बहन, मैं क्या करूँ, निमाई की शरारतें तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बहन तो एक काम क्यों नहीं करती, जब तक ब्राह्मण भगवान को भोग ना अर्पित कर ले, तब तक निमाई को मेरे घर छोड़ आओ। हाँ बहन, तुम उचित कह रही हो, निमाई को अपने साथ ले जाओ। आओ पुत्र। पड़ोसन की बात मानकर शची माता निमाई को पड़ोसियों के घर में ले जाती है। इसी दौरान ब्राह्मण ने फिर से अपने गोपाल के लिए भोग बनाया और उन्हें भोग लगाने के लिए बैठ गए। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। आओ रे आकर भोग लगाओ रे, आओ रे। हाय हाय, हे केशव, इस बालक ने फिर से मेरे भगवान का भोग झूठा कर दिया। हे केशव, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? निमाई, तू बहुत अड़ी होता जा रहा है, ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। ठहर जा, आज मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगता है, तू बच जाएगा? तूने मुझे मूर्ख समझ रखा है। तेरे जैसा चोर और शरारती बच्चा दूसरे किसी घर में नहीं होगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निमाई अभी छोटा है, वह नादान बालक है, मैं उसे समझा दूंगी, आप शांत हो जाइए। आज मुझे छोड़ दो, आज मैं इसे दंड देकर ही रहूंगा। माननीय पंडित जी, जरा मेरी बात तो सुनिए, इसमें आपके पुत्र निमाई का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। शायद आज मेरे भाग्य में कृष्ण प्रसाद नहीं लिखा है। आपके घर में जो भी कंदमूल है, आप मुझे वही दे दीजिए। आज मैं उन्हें ही पाकर अपना निर्वाह कर लूंगा। निमाई के बड़े भाई सुलाकर जगन्नाथ मिश्र जी स्वयं कमरे के बाहर पहरा देने लगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम, आओ रे आकर भोग लगाओ रे, आओ रे। हाय हाय, हे केशव, इस नटखट बालक ने फिर से मेरे भगवान का भोग झूठा कर दिया। हे केशव, मेरी रक्षा करो इस बालक से, मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देव, आपका हृदय रतन उदार है, आपके पुकारने पर तो मैं आ रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो? आप मेरा वाहन करने के लिए मंत्र उच्चारण कर रहे हो, भला मैं सबको कैसे रोक सकता हूँ? तुम मेरा निंदन ध्यान कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुमको दर्शन देने का निश्चय किया है।
हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं अधम आपको नहीं पहचान पाया प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। वह स्थान तत्क्षण वृंदावन में परिवर्तित हो गया और तभी ब्राह्मण ने भगवान के अद्भुत षडभुज रूप के दर्शन किए, जिसमें भगवान ने दो भुजाओं में धनुष और बाण धारण किए हुए थे, दो भुजाओं में बांसुरी और दो भुजाओं में कमंडलू और संन्यास दंड धारण किए हुए थे। हे ब्राह्मण सुनो, पूर्व जन्मों में आप मेरे सेवक थे, आपने सदा मेरा स्मरण किया, अथा मैं स्वयं आया हूँ आपको दर्शन देने। मेरे पूर्व अवतार में मैंने नंद महाराज के घर इसी स्वरूप में जन्म लिया था, जिसका आपको स्मरण नहीं है। मेरे पूर्व अवतार में मैं कृष्ण के रूप में गोकुल में प्रकट हुआ था और उस जीवन काल में आप सच्चे आध्यात्मिक उत्साह के साथ पवित्र तीर्थ स्थलियों की यात्रा कर रहे थे और एक दिवस आप नंद महाराज के यहाँ अतिथि बनकर आए थे और मुझे भोग अर्पित किया था, और उस समय भी हमने स्नेह का दान प्रदान किया था जिस प्रकार अभी कर रहे हैं। उस समय भी मैंने आपकी भेंट स्वीकार की थी जिस प्रकार अभी की है। आप जन जन्मांतर से मेरे सेवक हो, अथा मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। मेरे भक्तों के अतिरिक्त मुझे मेरे इस रूप में कोई नहीं देख सकता, किंतु स्मरण रहे ब्राह्मण, जब तक मैं इस धरातल पर हूँ, हमारी इस भेंट का किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना गोपनीय रूप ब्राह्मण के सामने उजागर किया और ब्राह्मण को आज्ञा दी कि वह घर घर जाके भगवान के नाम का प्रचार करें, और ब्राह्मण देव निकल पड़ते हैं भगवान के नाम का प्रचार करने। हरे कृष्णा। नव गौर वरम नव